नहीं नहीं बाय बाय नहीं आना अंदर जाए अंदर जाए इधर क्या है हाँ इधर ये देखें क्या खा रहा है ये माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है ये देखें ये देखें ये देखें क्या कर रहे हैं वालेकुम दोस्तों तो कैसे हैं आप सब तो आज देखो यार काफ़ी दिन के बाद इनके लिए बहुत ही कमाल की डिश ले कर आए हो पता नहीं क्या क्या है इसमें इनको अब खिलाता हूँ और भी इनके लिए बहुत कुछ लेके आया आए जी ये देखें पहले ही आ गए आज सुबह का तकरीबन मेरे ख्याल से चलो अंदर चलो अंदर चलो ये देखें क्या माशाल्लाह माशाल्लाह पता नहीं चावल हैं रोटियाँ हैं वो पत्ती भी है वो खड़बू खरबूजा भी है क्या क्या चीज़ है तो एक और चीज़ ये देखें इनकी तरफ देखें हाँ आपने भी खानी है पत्ती खिलाऊँगा आपको इनको शायद पत्ती खिलाता खिला शायद खा ही लें इस शॉप पर मैं ऐसा पता नहीं क्या है मैं देखता हूँ क्या है वो हो क्या पानी निकल रहा है तो मैदा टैप है देखता हूँ खाते हैं कि नहीं खाते पता नहीं क्या चीज़ है कह लो यार आपके लिए स्पेशल लेके आया हूँ खा लो खा लो और माशाल्लाह मेरा मुर्गा किस तरह का है हाँ ठीक है तो मुर्गा ये वाला ये वाला मुर्गा मेरा प्यारा मुर्गा माशाल्लाह माशाल्लाह और ये चूज़ा कहाँ आ रहा है अच्छा यार काफ़ी भाई बोल रहे हैं कि यार इनका दर्जा हरारत जोन सा ना मैनेज करो यार क्या करूँ यार इनके लिए किस तरह करो इधर भी बहुत ज़्यादा गर्मी होती है टेंशन ना ले इधर भी दर्जा हरारत तकरीबन पैंतीस चल रही होता है अंदर काफ़ी ज़्यादा अंदर गड़मैश है इसीलिए माशाल्लाह आपको मैं दिखाता हूँ काफ़ी ज़्यादा अंदर से हेल्दी भी हैं ये देखें कितने खुश हैं खेल रहे हैं क्योंकि अंदर मैं जब ये देखें हाथ हाथ मैं जब अंदर लगाता हूँ बहुत ही गरमाइश है अंदर दर्जा हराज के अंदर का बहुत ही मशरा ठीक है और ये मैं इनको पत् डाली है वो खा रही हैं अभी इनके लिए एक मैं पानी शानी डालता हूँ फिर इनको मैं बाजरा शाजरा डालता हूँ और इसकी तरफ देखो अकेला घूम रहा है छत पर किधर है तुम्हारी दोनों वाइफ हैं अंदर ही होंगी या दोनों कुड़को हो गई हुई हैं अंडा एक भी नहीं है पास ये लो एक ये है एक वो है दोनों कुड़को हो गई हैं यार अंडा एक भी नहीं है पास मेरे ये देखें इधर मैंने सुराख कर दिए गर्म करके तो बाकी आप भी बोले होंगे ये क्या चीज़ है यार पता क्या बात है इधर मैं पानी डालता था चूजा अंदर ही चले जाता था तो सारा ही वो गीला हो जाता था इसी इस, इस वजह से ना मैं ये सराकी है अब मैं आपको बताता हूँ क्या होगा इससे जगाड़ ही समझ लें देसी जगाड़ तो ये देखें यार मैंने पानी भर दी है अब देखना अब पानी भर के ना ऊपर आ जाएगा ठीक है रास्ता ऊपर आ रहा है इससे ये फ़ायदा होगा यार चूजे अंदर नहीं जाएंगे और आराम से इधर से पानी पी लेंगे इससे ये फ़ायदा होगा तो ये देखें यार पानी ऊपर तक आ गया जैसे मैंने सुराग किया था आस्था आस्ते ऊपर आ गया इसका यार ये फ़ायदा होगा इसके ऊपर नहीं वो आएंगे क्या कहते हैं यार चूजे चूजे पहले इसके ऊपर ही चले जाते थे तो खुद गीले ही गीले हो जाते थे अब ये फ़ायदा ओ, ओ, ओ बाहर नहीं आना मेरे बेटे बाहर बाहर वो मारेंगे ओ मुर्गा मारेगा इधर आ मुर्गा मारेगा बाढ़ वो आ गए इधर लगा देता हूँ कहीं ये देखो माशा कितना हैं अंदर खुश हैं चूज़ों के लिए बाजरा और फीड मिक्स कर के ले के आया हूँ जो उनसे फ़ीड है ना उसको मैंने पाउडर बना लिया था ग्रैंड के तो अब इनको मैं डालता हूँ ताकि ये भी थोड़ी हेल्दी हों फीड भी थाली इनको देनी पड़ेगी थोड़ी थोड़ी देखें माशाला अब खाएँगे फीट को लाजमी जो उनसे आपके छोटे सारे चूज़े होंगे ना फीट को आप ग्रैंड कर लेना नहीं तो चौदह नंबर फीट ले करना लेकिन वो भी कुछ ज़्यादा बड़ी होती है उसको ग्रैंड करनी पड़ेगी तो माशाल्लाह देखें कैसे शौक से खा रहे हैं ये वाला सुस्त लग रहा है तो ये वाला सुस्त लग रहा है यार ये बस मैं शौक से ले ले के आया था बस यार क्या करूं अब इनका देखभाल करनी पड़ेगी वैसे यार ये बहुत ही प्यारी चूज़ें निकलती हैं मेरा अब आ, मुर्गे निकलती हैं ये वैसे सारी मुर्गे हैं आप वो देख रहे हैं ना ग्रीन कलर का लाइट ग्रीन है इस तरह ही कुछ है तो वो स्लो लग रहा है बाकी ये देखें कहाँ आके बैठ गए क्यों मार खानी है मुर्गों से बाहर बहुत बड़े हैं और डायनासोर हैं डायनासोर बाहर चलो आप अंदर जाएं अंदर जाएं नहीं नहीं बाहर बाहर नहीं आना अंदर जाएं अंदर जाएं इधर क्या है हाँ इधर ये देखें क्या खा रहा है ये माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है ये देखें ये देखें ये, ये देखें क्या कर रहा है चलें अंदर जाएं अंदर जाएं अंदर जाके ना खाई भी बाकी यार आप ये मेरी मुर्गी और मुर्गे देखें आप लोगों को कोई पसंद आती है तो आप मुझसे खरीद सकते हैं मैं बारह सौ रुपये की मुर्ग, मुर्गियाँ दूंगा और मुर्गा जौन है ना वो मैं दो हज़ार का दूंगा मेरे सब्सक्राइबर की मैं बात कर रहा हूँ जो उनसे मेरे सब्सक्राइबर हैं मेरे प्यारे दोस्तों आप सबका बहुत शुक्रिया कि आप मुझे नीचे कमेंट में आके बहुत अच्छी बातें बताते हैं मुझे सीखने को कुछ मिलता है तो यार मेरी मुर्गी जो है ना दोनों क्या कहते हैं कुड़को हो गई हुई हैं अब मैं दोनों दोनों के नीचे किस तरह यार मैं अंडे रख दूँ मुझे समझ नहीं आ रही मेरे पास अंडे भी नहीं है तो इंडिया का एक भाई था उसने मुझे बोला था डी इंडिया से भी जाद तो यार मेहरबानी है बिजाद दो यार <laughs> मजाक कर रहा हूँ यार अच्छा यार काफ़ी भाई ने बोला कि अपनी चूज़ों के लिए दर्जा हजार तो कुछ चौंतीस पैंतीस रखो यार उसके लिए भी यार आपको पता है क्या क्या चीज़ें चाहिए क्या करना पड़ेगा लेकिन यार अलहमदिल्ला अंदर का दर्जा हजार ठीक है इसीलिए मैंने उनको उधर रख दिया हुआ है पहले मैंने सोचा था इनको मैं अपने नीचे ले जाता हूँ वहाँ इनका थोड़ा सा इंतज़ाम करता हूँ मैं कह यार नीचे गढ़ वाले कहते हैं चूँ 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 लगाई हुई है जाए कहीं ऊपर जा कर इनको छोड़ इसीलिए मैं ना एक इनका काप था ना तो मुर्गी ऊपर जा के अंडा देंगे नीचे चौबीस घंटे ये रहते हैं माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा हेल्दी है हैं आपके सामने मैं आपको दिखा रहा हूँ इंशाल्लाह ताला तला अब कोई नहीं मरेगा मैं दस लेके आया था जिसमें से दो मर हैं एक मुझे अब वीक लग रहा है बाकी सब भी ठीक है बस दुआ करना उसके भी मैं थोड़ी ट्रीटमेंट करता हूँ उसे कोई मेडिसिन वगैरह देता हूँ और मुर्गियाँ हो गई हैं यार दोनों कुर्क तो उसके लिए मैं एक सोच रहा हूँ कि एक को सेल कर दूँ एक के नीचे मैं अंडे बैठा देता हूँ तो खुश हो के ना अब दोनों के नीचे यार मैं क्या क्या ले कर बैठाऊँ पहले अंडे थे अब नहीं हैं क्योंकि उन वो ज़ाहिर की बात है वो तो अपनी बात पर सच्ची है कि जो से हमने अंडे दिए हैं वो वाले हमें हमारे नीचे अंडे रखें चलें यार देखते हैं तो आजकल सिर्फ़ इतना ही काफ़ी है वीडियो लंबी हो जानी है क्योंकि ज़्यादा वीडियो जितनी भी लंबी हो ना तो भाई लोग कहते हैं क्या बकवास कर रहा है क्या बेफजूल वीडियो बना रहा है तो कम देखते हैं लोग इसलिए मैं यार सोचता हूँ कि चार पाँच मिनट की वीडियो इससे ज़्यादा लंबी ना हो तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें और सब्सक्राइब कर देना बाय बाय